तो कटहल की सब्जी तो आपने बहुत बार खाई होगी, मगर आज हमने बनाया है इसका अचार। हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज? और यकीन मानिए, कटहल का अचार बनाना बिल्कुल इसकी सब्जी बनाने जितना आसान होता है। बहुत ही लाजवाब बन करके तैयार होता है। और इसे बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक बड़ा सा बर्तन लेना है, उसमें एक स्टैंड लगा देना है और थोड़ा सा पानी भर लेना है। अब हम फ्लेम को कर देंगे हाई या मीडियम पे ऑन, जैसी भी आपकी कटहल काटने की स्पीड है, और फिर हम इसका ढक्कन लगा देंगे। अगर आप कटहल जल्दी जल्दी काट लेते हैं तो फ्लेम को हाई पे ऑन कर लीजिएगा, और अगर आप कटहल धीरे धीरे काटते हैं तो फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा। तो चलते हैं कटहल काटने के लिए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीटिंग कर ली है, पहले से ही कटहल काट करके तैयार रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत बड़े पीसेस नहीं रखे हैं, कटहल के छोटे छोटे पीसेस ही रखे हैं, ताकि जब इसका अचार बन करके आए तो एक एक फांक एक बार में उठ जाए। ऐसा ना हो कि जब अचार बन करके तैयार हो जाए तब आपको इसको छोटा छोटा काटना पड़े। पहले से ही हमने इसको छोटा छोटा काटा है। तो अब हम इन पीसेस को स्टीम करने के लिए ले चलते हैं। तो जिस पानी को हमने गर्म करने के लिए रखा था वो अच्छे से गर्म हो गया है, अच्छी सी भाप उठ रही है। तो अब हम पहले इस पानी में करीबन आधा टीस्पून नमक डाल देंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। ये जो पानी में ही नमक और सिरका डालने का जो तरीका है, ये शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। एक्चुअली ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है। उनका कहना ये है कि जब भी हम ऐसा कोई अचार बना रहे होते हैं जिसको हमें बफा करके बनाना होता है, तो उसमें पहले से ही हम पानी में ही नमक और सिरका डाल दें। ऐसा करने से नमक और सिरका जो है वो उस चीज़ में अच्छे से जज हो जाता है, और हमारा जो अचार है वो बहुत ही लाजवाब बन करके तैयार होता है। तो अब हमने इसको ढक दिया है, और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक कटहल तैयार हो रहा है, इधर मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने 2 छोटी चम्मच मोटी सौंफ ली है, 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है, 1 छोटी चम्मच अजवाइन और 2 छोटी चम्मच मेथी दाना लिया है। अब हम इन सभी खड़े मसालों को पीस लेंगे। इन्हें हम दरदरा ही पीसेंगे, एकदम बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है इन्हें। अगर आपका मिक्सी का ग्राइंडिंग जार अच्छे से नहीं चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें इन सभी मसालों को दरदरा ही पीसना है। तो आप इसको बहुत ही कंफर्टेबली अपने खलबट्टे पे या फिर चकले बेलन से भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे सभी खड़े मसाले अच्छे से दरदरे पिस करके तैयार हो गए हैं। तो अब मैं आपको बाकी के मसाले भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमने ली है 3 टेबलस्पून पीली सरसों, ये आपको किसी भी दुकान पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। काला नमक लिया है 1 टीस्पून, नॉर्मल टेबल सॉल्ट वो भी 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, हींग लेंगे 2 चुटकी, लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, कलौंजी लेंगे 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। तो यहाँ पे करीबन 10 मिनट हो चुके हैं, और हमारा जो कटहल है, क्योंकि हमने उसको बिल्कुल पतला पतला काटा था तो इस टाइम तक वो ठीक से पक गया होगा, सॉफ्ट हो चुका होगा। तो हम उसको चेक भी कर लेते हैं। तो चेक करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि जब हम कटहल का जो पीस है उसको दबाएंगे तो वो दबेगा मगर कटेगा नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं उंगली से दबा रही हूँ, हाथों से दबा रही हूँ, तो वो दब रहा है मगर कटेगा नहीं। आप इसी तरीके से फोक से भी चेक कर सकते हैं। हम ऐसे दबा रहे हैं तो निशान पड़ रहे हैं, मगर जो फोक के जो कांटे हैं वो अंदर नहीं जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है, इससे ज़्यादा नहीं गलाना है हमें कटहल को। इसी समय आप इसको बाहर निकाल लें, और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने उसी कढ़ाई को साफ़ करके ले लिया है, आप चाहें तो दूसरा बर्तन भी ले सकते हैं। तो फ्लेम को हमने मीडियम पे ऑन कर दिया है, और अब हम इसमें डाल देंगे करीबन 1 कप सरसों का तेल। सरसों के तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे यानी कि पका लेंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे सरसों का तेल अच्छे से गरम हो गया है, तो अब हम इसमें ये दरदरे पिसे हुए मसाले डाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, हींग, अदरक पाउडर, काली मिर्च, नमक डाल देंगे
सबसे एंड में हम इसमें डालेंगे कलौंजी और पीली सरसों, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बहुत जल्दी पक जाती हैं। अगर आप इनको शुरू में ही डाल देंगे तो इनके जलने का डर होता है। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे स्टीम करा हुआ कटहल और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। वैसे अगर आप इन सभी मसालों को इस तरीके से नहीं डालना चाहते हैं तो आप बाज़ार से रेडीमेड अचार का मसाला भी ला सकते हैं। और अचार के मसाला कैसे बनता है इसका भी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप उसको भी देखकर अपना खुद का अचार का मसाला बना करके रख सकते हैं। और फिर जब भी आपका मन करे आप फटाक से अपने अचार के मसाला वाला डब्बा निकाल सकते हैं और जिस भी चीज़ का अचार बनाना हो आप उसका अचार बहुत ही कंफर्टेबली बना सकते हैं। उस अचार के मसाले से आप बहुत सारी और भी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे अचारी सब्ज़ी या फिर किसी दिन ऐसे ही प्लेन पराठे बनाए हो तो उस मसाले को आप अंदर एज अ फिलिंग भी डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब लगते हैं अचारी पराठे। तो यहाँ पे हमने कटहल को सभी मसालों में अच्छे से लपेट लिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अचार को तुरंत ही स्टील के बर्तन से निकाल लेंगे और किसी साफ़ अचार की बर्नी में रख लेंगे। अचार को जिस भी बर्नी में रखे उसको हल्का सा खोल दीजिएगा और 3 दिन तक अच्छे से धूप दिखाइएगा। और 3 दिन बाद इस अचार का जो फ्लेवर आएगा, वाह क्या कहने, सब्जी खाने का मन ही नहीं करेगा। उम्मीद है आपको मेरी आज ये लाजवाब सी सुपर टेस्टी कटहल की अचार की रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए बता लेते हैं, मिलते हैं मंडे वेंसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एंजॉय।